गुजरात में दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का कार्य चालू हो चुका है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिस अधिकारी और कलेक्टर डीडीओ को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण हुआ, जिसमें अहमदाबाद रेंज के आईजी चंद्रशेखर को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। नवबारा समाचार अहमदाबाद गुजरात से जयेश प्रजापति के साथ प्रीति गज्जर की खास रिपोर्ट, जिसके बाद नवबारा समाचार ने अहमदाबाद रेंज आईजी चंद्रशेखर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। कल हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स तरीके सभी पुलिस को पहली बात हम लोगों का कोविशील्ड वैक्सीन सरकार तरफ से अरेंज करवा किया है, तो कल हम लोग ने लिया है। एज ए लीडर हम लोग ने पहले लिया है। हमारा पुलिस फोर्स 3-4 दिन में फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसीलिए पहली बार उनको प्रियोरिटी में दे रहे हैं हेल्थ वर्कर के बाद। अब उसके बाद पब्लिक को भी शुरू होंगी, और हम लोग इसीलिए स्टार्टिंग में ले रहे हैं ऑफिसर्स, सो दैट किसी को कुछ भय हो, किसी को कुछ अप्रिहेंशन हो, वो दूर रहे। ऐसा कुछ असर, दूसरी असर नहीं है किसी को भी। आज कल हम लोगों के 5,000 जैसे लोग अहमदाबाद रूरल एरिया केड़ा आनंद जैसा एरिया में हम लोगों का पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टाफ को इंजेक्शन दिया गया है वैक्सीनेशन। किसी में भी कुछ एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट आया नहीं है, सब तंदुरुस्त हेल्दी हैं। और इस तरह की वैक्सीनेशन सेकेंड टर्म के बाद एंटीबॉडीज बढ़ेगी तो हम लोग और फील्ड में अच्छा काम करेंगे, हमारा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। फ्रंटलाइन वॉरियर को पुलिस को दिए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज एक पुलिस के परिवार को, आम जनता को कोरोना वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन सबको लेना चाहिए, एंड इसका इफेक्टिवनेस आपको अभी 45 दिन के बाद पता चल जाएगी। तो हमारा एक फील्ड में काम करने में फैमिली वालों को चिंता रहेगी तो वो भय दूर होगी, और सबको फिर वैक्सीनेशन मिलेगा तब तक तो हम लोग को फील्ड में रहना है, तो इसलिए सबके लिए तो अच्छा ही रहेगा। एक मैसेज भी जाना चाहिए तो भाई वैक्सीन सब लेना चाहिए। तो एक तरफ पुलिस स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई है तो सब अच्छी है, तो लोगों को भी भरोसा बैठेगी और सब लेने लगेंगे, तो फिर एक तबका में एक वैक्सीनेशन की वजह से एक कोविड सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो कोरोना में फ्रंटलाइन पुलिस सबसे ज़्यादा पुलिस ने काम किया था, वह पुलिस भी वैक्सीन दे रही है, आपकी तरफ से पुलिस को एक शुभ संदेश? तो सभी पुलिस कर्मचारी ने बिना कोई रेजिस्टेंस वगैरह सब ले रहे हैं, तो कल से हम लोगों ने इंसिस्ट किया है, एक अच्छा मौका है, अपना इम्यूनिटी के लिए अच्छी चीज़ है, ये लेना चाहिए और इसका किसी को कुछ इश्यूज ना हो। और थोड़ा बहुत लोगों का है उसमें कुछ रिएक्शन होगा, वो भी इस कल से पता चल गया तो किसको कुछ हुआ नहीं है, तो बाकी लोग भी लेंगे। अब सब पुलिस ने लेने से, बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन देने से पब्लिक से भी एक भरोसा आएगी, हमको भी लेना है, तो फिर बाद में इस सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प। 24 घंटे जैसा हो गया वो आपने वैक्सीन ली, कोई आपको असर क्या फील कर रहे? बिल्कुल कुछ असर नहीं है, नॉर्मल जैसे ही है, इंजेक्शन लिया, इसमें कुछ कोई भी माइनर कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी नहीं आया। और बाकी फील्ड में भी हम लोगों ने पूछा किसी पुलिस को भी, पुलिस स्टाफ को भी, किसको भी कुछ परेशान हुई है, किसी को भी कुछ फीवर आई, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, सब अच्छी है। आज के मॉर्निंग रिपोर्ट हम लोगों ने चेक किया है, जितने भी इंजेक्शन लिया सब अच्छी है। ड्यूटी